अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, वीडियो में रोती और सिसकती हुई खातिन वो है जो है तो मुसलमान, लेकिन शैतान और गलत माहौल ने इन्हें दीन से काफ़ी दूर कर दिया था। लेकिन जब इन खातिन से अल्लाह वाले नेक बंदे ने, दीन के मुजाहिद ने इनसे मुलाकात की और इनसे मिलने के लिए होटल में पहुँचे, फिर इन खातिन पर इनकी बातों का ऐसा असर हुआ कि वो अपने आंसुओं को ना रोक सकी। आपसे गुजारिश है इस वीडियो को पूरा देखें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, वीडियो के मनाजिर आपके सामने हैं और आप देख रहे हैं अल्लाह के दीन का मुजाहिद इन खातिन से मिलने के लिए होटल में पहुंचते हैं, इन्हें दीन की बातें बताते हैं। अल्लाह की आज़मत, अल्लाह की बड़ाई, अल्लाह की आज़मत और अल्लाह की कुदरत और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आज़मत व मोहब्बत और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत की सूरत में 100% कामयाबी का यकीन दिलाते हैं। यानी आखिरत के बारे में, जन्नत और जहन्नम के बारे में और कब्र की ज़िंदगी के बारे में बताते हैं, और ये कि अगर हम दीन पर अमल करेंगे तो अल्लाह ताला हमसे राज़ी और खुश होगा, और अगर हम दीन पर अमल नहीं करेंगे तो अल्लाह ताला हमारी सख्त पकड़ करेंगे। ये सारी बातें सुनकर खातीन अपने जज्बात पर काबू नहीं रख पाती और उनकी आँखों से आंसू जारी हो जाते हैं। ये सारी खातीन बेपर्दा लिबास पहने हुए होती हैं, चुनांचे इन्हें शरई लिबास मुहैया कराए जाते हैं। खातीन उन कपड़ों को पहनती हैं और ऐसा महसूस होता है गोया कि इनके दिलों के अंदर चैन सुकून आ गया हो। दोस्तों, दीन से भटके हुए लोगों को राह रास्त पर लाने की जिम्मेदारी किसी एक शख्स की नहीं बल्कि उम्मत के एक एक फ़र्द की है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको दीन की सही समझ आता फरमाएं। दोस्तों, आपसे गुजारिश है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अस्सलामु अलैकुम।